जो विक्टिम है बाढ़ में डूबा हुआ है उसको हम बचा सकते हैं। कैसे बचाएंगे हम आपको बताएंगे। तो बाढ़ से जो डूबे हुए व्यक्ति को बचाने के दो तरीके होते हैं। एक होता है ड्राई रेस्क्यू करते हैं और दूसरा होता है वेट रेस्क्यू। ड्राई रेस्क्यू के भी दो तरीके हैं। ड्राई रेस्क्यू के दो तरीके, जिसमें एक डायरेक्ट कंटेक्ट है एक इनडायरेक्ट कंटेक्ट। तो पहले हम आते हैं ड्राई रेस्क्यू। ड्राई रेस्क्यू वो है जो व्यक्ति तैरना नहीं जानता है, वो कैसे, जो बाढ़ में कोई व्यक्ति डूब रहा है और वो बाढ़ में डुबाव पानी में है, वहां आपसे गुहार कर रहा है बचाओ 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 बचाओ, ऐसी स्थिति में आप किनारे पे हैं तो उसको देख के कुछ आदमी तो देखेंगे। कहावत है, आप लोगों ने सुना होगा बचपन में, कि डूबते को तिनका का सहारा। जो डूबता व्यक्ति होता है वो बहुत घबराया हुआ होता है, उसे लगता है कि ये तिनका भी मुझे, तिनका घास को बोलते हैं जानते होंगे, तो वो सोचता है तिनका भी मुझे मिल जाए तो उसको पकड़ के मैं निकल जाऊँ। लेकिन आपको वहाँ ड्राइव रिस्क के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि उसमें एक है थ्रो मेथड। जैसे आपके पास, आप लोगों ने फिल्म भी देखा होगा, दलदल में कोई आदमी फंस जाता है कहीं, थ्रो मेथड। जैसे आपके पास कोई चीजें हैं, जैसे लंबी बांस की डंडी है, कोई रोप है आपके पास रस्सी है, उसको थ्रो करेंगे उसके पास, लेकिन जिसे वो पकड़ ली पकड़े, आपको पानी में घुसने की जरूरत नहीं है, आपने उसको फेंक दिया उसके रिच लेवल, इसी को रिच लेवल बोलते हैं, उसके रिचिंग तक वो पहुंच गया, उसको पकड़ लिया। फिर धीरे से आप अपना सपोर्ट बनाएंगे, आप रुके हुए हैं किनारे पे, तो पहले आपको भी अपना सपोर्ट, आपको जमीन पे लेट जाना होगा, बैठ के नहीं करना, बैठ के करेंगे तो आप खुद पानी में चले जाएंगे। जमीन पे लेट जाना है, अपना सपोर्ट बनाना है, फिर उसको धीरे धीरे, हो सकता है आपके सपोर्ट में एक दो तीन आदमी पीछे हो उनको भी लगा दो, और फिर उसको रिच मेथड से वो रस्सी पकड़ लिया, उनको आश्वासन देना कि आप डूबो डूबोगे नहीं, हम आपको बचा लेंगे, घबराओ नहीं। वो ये करते हुए आपको उसको खींचना है, बांस मिल गया या रस्सी का जो भी हो गया, ये आपका रिच मेथड में आ गया। दूसरा है कि किसी को ऐसे एक ह्यूमन चेन भी बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि नहीं तैरने वाला आदमी, तो आप लोग छोटे आदमी जानते हैं कि जब गर्दन भर पानी में जाएंगे उससे आगे गड्ढा है या क्या है तब डूबने का चांस ज़्यादा होता है। जो नहीं तैरने वाले आदमी है उतना पानी में भी नहीं जाए, क्योंकि जो हमारे यहाँ नदी है या इसमें खनन का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें पता नहीं चलता है, एक कदम आगे रखे बहुत बड़ा गड्ढा मिलेगा उसमें आदमी, तो उतने भर पानी तक जाके आप एक चेन बनाइए, मानव चेन मतलब श्रृंखला, मानव श्रृंखला के जैसे एक का हाथ दूसरे हाथ पे, दूसरे का तीसरे, तीसरे का चौथा आदमी, और उसको रिच लेवल तक पहुंचे। हो सकता है कि आप में कोई स्विमर भी, सभी नम स्विमर नहीं, तो जो नम स्विमर हैं उनको रखिए किनारे पर जमीन पर रखिए, और जो स्विमर है जो स्विमिंग जानता है उसको सबसे आगे में रखिए, वो जाएगा उनके रिच लेवल तक पहुंचेगा, उनको पकड़ लेगा, फिर एक आदमी से दूसरे आदमी को खींचते हुए मानव श्रृंखला से उनको ऊपर ला सकते। ये हुआ रिचिंग मेथड से किसी तरह उसके पास, व्यक्ति के पास में पहुंचना, पहुंच के उसको हमें ऊपर लाना। ऊपर लाने के बाद उसको क्या कार्रवाई जो है उसके साथ, जैसे एक बेडिंग मेथड, जैसे गोटी का टुकड़ा है, साड़ी है, कोई लंबा कॉटन का टुकड़ा आपके पास अवेलेबल है, तो उसको सूखा हुआ कपड़ा है तो फेंकेंगे तो नहीं जाएगा, उसको पहले पानी में भिगो लेना है। पानी में भिगोने के बाद जो व्यक्ति जहाँ डूब रहा है उसके पास फेंकना है, वो कपड़े को पकड़ लेगा, उससे भी आप उसको खींच सकते हैं, अपने नजदीक ला सकते हैं, उसको उपचार किया जा सकता है। ये हुआ कि चार पांच मेथड है, इसके और बहुत सारे तरीके, जो जो भी सोर्सेस आपके पास अवेलेबल। मान लीजिए जहाँ पे आदमी डूब रहा है, ना आपके पास बांस का टुकड़ा है, ना रस्सी है, ना कपड़ा है, धोती है, साड़ी है, कुछ भी नहीं है, तो आपके पास वहाँ आस पास में जो पेड़ लगे हुए हैं, कुछ लगे हुए उसके जड़ होते हैं, आप देखे होंगे गांव में बट वृक्ष होते हैं, उनके लंबे पेड़ होते हैं, उनके लंबे लंबे झाड़, कोई भी चीज़ से उनके ऊपर, उनके पास तक रीच करने का आपको प्रयास करना है, रीच करके उनको निकालना है। इसमें जो हमने आप लोगों को चार पांच मीटर बताया, ये क्लियर है, सभी आदमी समझ गए इसको? तो
तो ये हुआ आपको इनडायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट, इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्टली उनको नहीं, किसी भी थ्रू समाज के थ्रू किसी भी साधन के थ्रू उनके पास हम पहुँच सकते हैं। अब आ जाता है दूसरा इसका मेथड है जो वेट मेथड। वेट मेथड में जैसे कोई आदमी डूब रहा, तो वेट मेथड में ये जानना देती है कि जो फुल स्विमर जो स्विमिंग जानता है वही आदमी इसका प्रयास करे। इससे पहले जो मैंने आपको बताया वो तरीके हैं जो स्विमिंग जानता भी है नहीं भी जानता है उसके लिए, और जो स्विमिंग नहीं जानता है उसके लिए तो है ही, लेकिन वेट मेथड है उसमें पक्का आपको सुनिश्चित करना है कि जो आदमी स्विमिंग जानता है वही इस तरीके को अपनाएगा, नहीं तो उसमें आपके साथ धोखा हो सकता है, आप जोखिम उठा सकते हैं। वेट मेथड में आ गया जैसे कि जो आदमी आपको कह रहा है विक्टिम की डूब रहा है बचाओ बचाओ बचाओ, तो जो स्विमर है वो उसके पास तैरते हुए जाएगा और उसको वहां से एक आदमी इसमें कुछ आदमी खड़े हो जाओ आप खड़े हो जैसे विक्टिम डूब रहा है तो गए उसके पास जो तैराक है वो डुबकी मारेगा पानी के अंदर, और डुबकी मारने के बाद जाकर उनको जो है जैसे डुबकी मार दिया और उनको लाना है अपने साथ, तो ये मान लो कि ये बंदा ये डूब रहा है, अब गया ये कह रहा है बचाओ बचाओ बचाओ, तो इसको डुबकी मारने के बाद इसके पास गए और इसको इस तरह से जाके पकड़ना है नीचे से उठा लेना है, मुस्कान सिग्नेचर कर रहे किए हैं तुम दोनों का, लेकिन मुस्कान को मना कर और इसका हाथ दोनों फ्री रखना है, ये हाथ और ये दोनों ऐसे फ्री रखना है, ताकि फ्री रखेंगे तो ये भी अपने हाथ से आपको पानी को ऐसे ऐसे करेगा, आप भी अपने पैर और हाथ को करते हुए उसको फिर ऐसे करते हुए आप भी हाथ लगाना है पानी में लगाना है ऐसे करते हुए लाना है। ऐसा नहीं होता है कि इसको अब आप बांध बंद कर दिए हाथ भी लॉक कर दिए, जो विक्टिम है उसका हाथ पैर फ्री रहना चाहिए, वो भी फेल फेल करेगा और आप भी अपना हाथ तक ला के उसको साथ तक ला सकते हैं। दूसरा मेथड इसका है उसी तरह क्रॉस को है जो आप इसको चीन को ना पकड़ के हाथ से पकड़ेंगे, क्रॉस को मैं बताता हूँ, क्रॉस को में उसको हाथ से पकड़ेंगे, उसमें भी देखिए आप ध्यान देंगे कि हाथ उनका फ्री रहेगा और आप अपने हाथ से चलाते हुए ऐसे करते हैं, उसको भी कहेंगे कि आप अपने हाथ से पानी को करो तैरने का प्रयास करो, उससे लेके किनारे पर आएंगे उसी तरह उसको एक क्रॉस को उसके